वर वक्त वाली सईद निन मौलाना मुहमदा वबारक वसलम रबिशरहली सदरी वसरली अमरी वाहत मिलसानी याफ़ाहू कौली वजाली वज़ी आमीन या रबालमी सामीन आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुन नईमी तो आज जनाब तेरहवा रोज़ा है और तेरवें रोज़े के वजाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैबूलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात तमाम उम्मत मुसरिमा पर अपना कर्म फजल फरमाए और इस माह मुबारक का सही मानों में अदब और अहतराम करने की तौफीक का अता फरमाए तमाम लोगों के दस्तरखान के अंदर अल्लाह ताला वसातें बरकतें अता फरमाएँ तो जनाब बादजज़ नमाज फजर आपने सूरा जुमा की आयत नंबर चार इसको तैंतीस मरतबा पढ़ना है वूशीफ के साथ वो आयत कौन सी है शाह का फजल है वो जिसे चाहे इससे नवाजता है और अल्लाह तड़े फजल वाला और आजमत वाला है नमाज जहर के बाद आपने सुरह फलक को ग्यारह मरतबा पढ़ना है अवलाखद्रूशीफ के साथ सुरः फलक आपने समात की होगी मजीद समात कर लीजिए उलआद बब्बिल फलक़ शर्रि मा खालक व मिन शर्रि वकब व व शर्र शर्रि हासिदिन इजा हसद इसका मफहोम समात कीजिए कि फरमा दीजिए कि मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ हर चीज़ की बदी से जो इसने बनाई और हर शब तारीख की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए और गंडों पर पढ़ पढ़ कर पकने वालियों की बुराई से और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करने लगे इस सूरत मुबारक के हवाले से फज़ाइल भी हम ज़रूर बयान करेंगे बाद नमाज असर आपने सुर नास को पढ़ना है ग्यारह मरतबा सुरह नाश समात कीजिए कुल आऊबिन नास मालिकिन नास इलाहन्नास मिलवास वस्वी सुफ़ी नासन्नति वन्नास माना इसका समात कीजिए कि फरमा दीजिए मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ यानी लोगों के हकीकी बादशाह की लोगों के माबूद बरहक की शैतान वसवसा अंदाज की बुराई से जो खुदा का नाम सुनकर पीछे हट जाता है जो लोगों के दिलों में वसबसा डालता है हाँ वो जन्नात से हों या इंसानों में से इनशा अभी सुर नास की फ़जीलत भी हम बयान करेंगे असर के बाद आपने इसको पढ़ना है ग्यारह मरतबा वला खर्द के साथ बादत नमाज मग़रब दुआ निजात आपने ग्यारह मरतबा पढ़नी है अब वला के साथ दुआ निजात क्या है और आती ना फुनिया हसनात वफ़िल आख़िरती हनात वनार इसका माना समाद कीजिए कि हमारे रब हमें दुनिया में भी अच्छाई दे और आख़रत में भी अच्छाई दे और हमें आग के अजाब से महफूज फरमा हमें आग के अजाब से बचा लेना ये आपने नमाज मग़रब के बाद ग्यारह मरतबा पढ़नी है नमाज इशा के बाद सलात हाजात जिसका तरीक़ा हमने एक प्रोग्राम के अंदर बयान किया था उसको देख लीजिएगा याद रखें हमारी तमाम तरह जात अल्ला रबालमीन के हजूर होनी चाहिए और नमाज के ज़रिए से कुरान भी कहते हैं वस्ताइन बिसब्र वसला कि तुम सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में मदद चाहो और ये सलातुल हाज़ात जो पढ़ी जाती है वो भी इस माना के अंदर कि हम अल्लाह की बारगाह में अल्तजा कर रहे हैं और इन आमाल की बरक़त से इन आमाल के तवसल से हम अल्लाह त बारगाह में पेश होते हैं सलात हाजत इसी तरह आपने जो दुआ निजात के बारे में पढ़ा सुना याद रखें कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में जब दुआ करते हैं तो दुनिया और आखरत दोनों के हवाले से दुआ करते हैं इससे पता चलता है कि दुनिया मांगना ग़लत नहीं है कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आखरत के बारे में सवाल करूँ दुनिया के बारे में सवाल ना करूँ ये भी आते इस्लामिया के ख़िलाफ़ है अल्लाह ताला की बारगाह में देखिए उस जात से नहीं मांगना तो किससे मांगना है Uh, कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं किसी और दर से मांगूं तो ऐसा मुमकिन नहीं कोई और अता करने वाला नहीं है अल्लाह ताली अगर अताफ फरमाएगा तो किसी वसीले से किसी बहाने से किसी हीले से हमें अताफ फरमाएगा यानी हम हीला करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात हमें अताफ फरमाएगी लेकिन याद रखें कि अपनी तरफ से जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें अता फरमाई हमें उनको बरूए कार लाना है और उनको इस्तेमाल करना है फिर अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजाएं करना ये यकीनन तवक्कुल के ऐन मुताबिक है कोई बंदा अगर ये कहे मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहूँ और अपनी तरफ से कुछ ना करूँ तो ये तवक्ल के मनाफी होगा अपनी तरफ से जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई उनको इस्तेमाल करते रहें सुर फलक और सुर नास के हवाले से ये मसला याद रखें जनाब करीम आका सलात वसलाम आपके ऊपर जब वो फूंकने वालियाँ गिरा जो लगाते हैं ना गिरे आ, इनको पंजाबी में गंडे भी कहते हैं और बाज़ उर्दू में भी इस अल्फ, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो गिरे लगानिए लगाने, लगाने वालियाँ जो थी ना उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलील्हलम के हवाले यो यहूद में से थी वो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलील्ला के हवाले से जब ये जादू वाला मामला किया तो अल्लाह ताली ने इन दो सूरतों को अताफ़रमा सुर फल और सुर नास इनके खवास ये भी हैं कि किसी जगह पर अगर जादू हो टूना हो आ, कोई भी ऐसी चीज को परेशानी हो तो इस सूरत मुबारक को ग्यारह मरतबा पढ़ के आप दम कर दें इन शाह चूँकि ये सूरतें जो हैं ये नाजिल ही इसी मकसद के लिए हुई कि जो शैतानी वसावस हैं जो जादू टोने हैं उनको दूर करने के लिए तो इनका विद करना आ, यकीनन जनाब मौसर है, है और जन्ात के वसाविस से और शैतानों के वसावि से छुटकारे का बायस है तो इसको आप हमेशा याद रखें जनाब सुरह फलक सुर नास ये इकट्ठी नाजिल हुई और इनके नज़ुल के बाद नबी करीम सलील वाल वसलम ने काफ़ी इफ़ाक़ा महसूस फ़रमाया और तलीम उम्म के लिए आपने इनके खवास भी आगे बयान फरमा दिए याद रखें कि जो सर जुमा की आयत नंबर चार आपने सुनी समात की जाली का फ़तलाम शाहफ़तम जो भी कुछ मिलता है अल्लाह ताली के फजल से मिलता है बल्कि जन्नत में भी अगर हम जाएँगे तो अल्लाह के फज़ल से यहाँ तक करीम आकात वसलाम से जब सवाल किया गया यारसोल्ला क्या आप भी जन्नत में अल्लाह ताली के फ़ल से दाखिल होंगे तो करीम आका सलाम ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का महबूब होने के बावजूद जन्नत में दाखिल होंगा तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से याद रखें अल्लाह ताला पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है कोई बंदा कहे कि मैं नेक माल करूं तो अल्लाह ताला पर जन्नत अता करना वाजिब है ऐसा नहीं है जनाब अल्लाह ताला तदर मुतलक है आ, वो मालिक हकीकी है वो चाहे किसी को जन्नत ता फरमाए चाहे तो किसी को जन्नत नाता फरमाए तो जो कुछ भी मिलता है अल्लाह के फ़जल से मिलता है हमेशा अल्लाह ताला के फजल का सवाल करते रहना चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खाली के कायनात हमें करीम का आकातम की तालीमात के एन मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने की तोफी का आता फरमाए इन शहज़ीज़ अगले दिन हाज़िर होंगे आपके पास नए वजायफ लेकर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़